जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, वो कब्रिस्तान वाले। हाँ कॉल ड्रॉप हो गई थी, हम जवाब दे रहे हैं आपके लिए। मेरे पास जी मौलाना कब्रिस्तान और मैं मेरी मैम जवाब दे रहा था, ड्रॉप होगी कॉल, कि आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि औरतों का कब्रिस्तान जाना मना है। कोई मना नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पहले मर्दों को भी मना कर दिया था, फिर इजाज़त दे दी, इसी तरह औरतों को भी दे दी है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने भाई की कब्र पर गईं अब्दुर्रहमान के, वहाँ अशार भी पढ़े, रोईं, तो कोई बात नहीं। लोगों ने उनसे पूछा भी कि आप कब्रिस्तान क्यों गई थी, हुजूर ने मना फरमाया, तो उन्होंने कहा नहीं मना कर किया था मगर बाद में इजाज़त दे दी है। और ये भी सही हदीस है मुस्लिम शरीफ की, उम्मुल मोमिनीन ने पूछा अल्लाह के रसूल से, जब मैं कब्रें देखने जाऊँ तो क्या पढ़ूँ, वो सलाम भी बाकायदा आपने सिखाया। ये नहीं कहा कि तू क्यों कब्र देखने जाएगी, तो कब्रें देख सकती हैं आप, मगर कई चीज़ों का लिहाज करना होगा कि बेसब्री ना करें और ऐसे दिनों में ना जाएँ जैसे ये आशूरा वगैरह, या ऐसे दिन हैं कि बहुत मर्द भी वहाँ जमघटा कर देते हैं, तो ये काम ख़राब हो गया कि वहाँ मर्दों ने इजमा किया होता, बेपर्दी होती। अलहदा किसी दिन तनहा जाकर या कोई बहने जाए और सब्र शुक्र से दुआ करें और अपना दिल हल्का कराएं, तो कोई मना नहीं। मेहरबानी। हाँ जायज़ जी जी माहर के